चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां मानक अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानक अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, ये चिट्ठी लिखी गई है। मानक अग्रवाल ने चिट्ठी लिखकर कहा, कांग्रेस से निष्कासन के बाद मानक ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से AICC का इलेक्टेड मेंबर हूं। प्रदेश कांग्रेस को मुझे पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं, कांग्रेस ने पार्टी संविधान के खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस से निष्कासन के बाद मानक ने चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि मैं 25 साल से AICC का इलेक्टेड मेंबर हूं। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव जी, मानक अग्रवाल ने कांग्रेस से निष्कासन के बाद चिट्ठी लिखी है, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, क्या कुछ इस चिट्ठी में कहा गया है? बिल्कुल, कल कांग्रेस की जो अनुशासन समिति है मानक अग्रवाल को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि मानक अग्रवाल के द्वारा बाबूलाल चौरसिया जो की हिंदू महात्मा में पदाधिकारी थे लेकिन अब वो कांग्रेस के सदस्य है, जब वो शामिल हुए थे तब कमलनाथ की विचारधारा पर सवाल खड़े किए थे मानक अग्रवाल ने ट्वीट के जरिए, तो इसके चलते उनको हटा दिया गया। तो आज कांग्रेस की राष्ट्रीय सोनिया गांधी को मानक अग्रवाल ने पत्र लिखा, पत्रों को लिखते हैं कि मैं AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 25 साल से सदस्य हूँ, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुझे पार्टी से निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के संविधान के खिलाफ जाकर काम किया है। मैंने हेमंत देवी वाले मामले में और बाबूलाल चौरसिया वाले मामले में अपनी बात रखी थी कि अपनी पार्टी में अपनी बात रखना गलत है, मैं कांग्रेस की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, कांग्रेस की विचारधारा को ही मानता हूँ, उसके बाद भी मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो इसलिए उन्होंने अपील की पूरे मामले में होने वाली सचेत करें और मुझे इस मामले में न्याय दिलाएं। जी वैभव जी, मानक अग्रवाल ने चिट्ठी में कहा है, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस ने पार्टी संविधान के खिलाफ कार्रवाई की है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की अभी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है? हाँ ऋतु, आपसे कुछ देर पहले ही मानक अग्रवाल ने सोनिया गांधी को ये पत्र लिखा है। पत्र लिखने के कुछ समय बाद क्रिया और जो प्रतिक्रिया होती है नेताओं की वो आना शुरू होगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले का ये मामला है और अभी पत्र में यही कहा गया है कि पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काम किया है। मैं AICC का सदस्य हूँ, तो अब से कुछ देर बाद जरूर कांग्रेस या BJP की प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आएगी। जी वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मानक अग्रवाल ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, कांग्रेस से निष्कासन के बाद मानक ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से कहा है कि मैं 25 साल से AICC का इलेक्टेड मेंबर हूं, प्रदेश कांग्रेस को मुझे पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं, कांग्रेस ने पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर कार्रवाई की है।